फ्री में सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल कहानी सबकी को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल केस के आने की कहानी सबकी में। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका दोस्त तनीष। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी सिलाई मशीन ज़रूर देखी होगी और अपने कपड़े भी उसमें ज़रूर सिलाए होंगे। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उस सिलाई मशीन के बारे में, उसका पूरा इतिहास कि उस मशीन को किसने बनाया, कैसे वो विकसित हुआ और आज हमारे बीच वो है और हमारे कपड़े को वो आसानी के साथ सिल देता है। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। आज घर घर में सिलाई मशीन का प्रचलन है। कम ही लोग जानते हैं कि इसके आविष्कार एलियास हो हैं और उनसे भी कम लोग ये जानते हैं कि इस मशीन का आविष्कार उन्होंने कैसे किया। दरअसल दोस्तों, इस मशीन को बनाने के लिए एलियास हो को घोर मानसिक यातनाएं सहनी पड़ी थी। असल में हुआ था ये कि मशीन तो एलियास हो द्वारा बना ली गई थी, पर उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि सुई में धागा कहां से डाला जाए कि वो धागा नीचे अपने आप खींच ले। एलियास इसी परेशानी में बहुत दिनों से पड़े हुए थे, लेकिन उन्हें समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दोस्तों, हाथ की सुई की तरह आखिरी छोर से लेकर होते हुए सुई के बीच में छेद बनाकर सब तरह से प्रयोग कर डाले, लेकिन उनको कोई भी सफलता नहीं मिलती दिखाई दी और एलियास को अंततः निराश हो गए। वो अपना प्रयोग विफल होने की घोषणा करने के बाद उस दिन निराश और थके मन से बिस्तर पर लेटे। पता नहीं कब नींद आ गई और उन्हें पता ही नहीं चला, लेकिन नींद में उन्होंने एक सपना देखा, बिल्कुल जीवंत सपना। उनका सपना कुछ इस प्रकार था दोस्तों कि जंगली जाति के कुछ लोग हो को पकड़कर अपने राजा के पास ले गए तथा राजा को बताया कि इस व्यक्ति ने सिलाई मशीन बनाई है लेकिन उसे चालू नहीं कर पाया है। उनके राजा ने सारी बातें सुनी और फिर एलियास को बिना कोई स्पष्टीकरण का मौका दिए ये शाही फरमान निकाल दिया कि यदि 24 घंटे के भीतर सिलाई की मशीन चालू नहीं की गई तो उसे यानी कि एलियास को भाले से मार दिया जाएगा। डर के मारे एलियास ने ये देखा कि उसे चारों ओर से हाथ में भाला लिए सैनिकों ने घेर रखा है। बीच में आग जल रही है और उस आग की रोशनी में भालों की नोक चमक रही है। भयभीत हुए एलियास का ध्यान भालों की नोक पर केंद्रित हो गया, उनमें छेद हो रहे थे। अचानक ही एलियास की आंखें खुल गई और वो बिस्तर से उठे तथा सुई निकालकर उनका नीचे वाला हिस्सा लोहे से काट दिया तथा नोक वाले हिस्से में छेद किया। अब अपनी इस सुई को उन्होंने मशीन पर चढ़ा दिया और मशीन चल निकली। तो दोस्तों, इस तरह से हो का सपना टूटा और उन्होंने मशीन फिर से चला दिया। पिछले दिन विफल घोषित कर दिया गया आविष्कार एक सपना देख कर ही सफल हो गया और इस तरह से एक सपने में यंत्रणा झेलते हुए एलियास हो ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया। तो आपको ये सब कहानी जानकर कैसा लगा, प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। और अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एंड शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।